खाद्य आपूर्ति विभाग ने मंडी शहर में लोगों को उचित दामों पर फल, सब्जी व खाद्य सामग्री मुहैया करवाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। विभाग की टीम हर रोज सब्जी मंडी तथा खाद्य सामग्री की दुकानों पर औचक निरीक्षण भी कर रही है। साथ ही दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की हिदायत भी दी जा रही है। इसी कड़ी में मंडी शहर में मौजूद चिकन व फल तथा सब्जी विक्रेताओं के विभिन्न चालान भी विभाग द्वारा काटे गए। विभाग की टीम ने फल व सब्जी विक्रेताओं को दुकान में रेट लिस्ट ना लगाने तथा चिकन के ज्यादा दाम वसूलने पर चालान काटे और लगभग 3,000 रुपया जुर्माना के आदेश जारी किए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक सुनीता राणा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को उचित दामों पर सब्जियां व खाद्य सामग्री मुहैया करवाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग प्रयासरत है। 29/4/2020 को महामृत्युंजय चौक पे 4 सब्जी विक्रेताओं से 2,550 रुपए की सब्जियां तथा फल हमने जब्त किए हैं, क्योंकि उनके द्वारा मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं की गई थी तथा न ही उनके पास बिल वाउचर थे। इसके अतिरिक्त कुलघाट में मीट विक्रेता के पास 2 किलो चिकन जो है वो हमने जब्त किया है, क्योंकि वो निर्धारित मूल्य से ज्यादा इसको बेच रहा था। तो ये जो 2,950 रुपए की कुल जब्ती है सब्जियां, फल तथा चिकन की, इसके लिए नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जो है हमने, क्योंकि ये चीजें खराब होने वाली हैं, इसलिए सचिव साहब को हमने ये फाइल पर प्रस्तुत किया है। जैसे ही वहां से हमें आदेश प्राप्त होंगे, इनकी नीलामी कर जो इसका मूल्य है वो सरकारी कोष में जमा करवाया जाएगा। मेरा एक आग्रह रहेगा इन सब्जी विक्रेताओं से, करियाना विक्रेताओं से तथा मीट विक्रेताओं से कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मूल्य से अधिक वसूल ना करें तथा विभाग का सहयोग करें, ताकि हमारा भी उनके साथ जो है सहयोग पूरा बना रहे। धन्यवाद।